भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स के ऑफिस में और हमारे सामने हैं सतवीर भैया। सतवीर भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, कैसे हो? बस जी बढ़िया। सतवीर भैया आज हमारे दर्शकों को कहाँ की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं आप? देखिए आज इनको फरीदाबाद की दिखाएंगे जी, पलवल की दिखाएंगे जी, और पलवल के पास में होटल की दिखाएंगे जेबीएम कंपनी के पास। जेबीएम कंपनी, मैंने सुना है आज आप 3,000 रूपए गज में प्लॉट लेकर आए हो। बिल्कुल, 3,000 रूपए गज से लेकर 12,000-14,000 रूपए गज तक की, 8,000-6,000 रूपए गज तक की प्रॉपर्टियां हमारे पास है, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती। तो नगद में भी है और किस्तों में दोनों है? दोनों प्लान है जी। अगर कोई भाई लेना चाहता है नगद में तो नगद भी है, और ईएमआई पे लेना चाहता है तो ईएमआई प्लान भी है। ईएमआई प्लान भी है जी। तो सतवीर भैया हमारे दर्शकों को एक बार कुछ रजिस्ट्री वगैरह दिखाएंगे कि रजिस्ट्री वगैरह किस तरीके करते हैं? देखो रजिस्ट्री जो होती है जी, ये रजिस्ट्री फोल्डर पर है, आप इसमें डेट देख सकते हो, ये कंपनी होके आई है, आप देखिए इनमें यहाँ पे डेट लिखी रहती है और क्या नाम। उसके बाद में आप इसमें देखो जो कहते हैं कि बार कोड वाली फोटो होती है वो भी, ये फोटो देखो, ये रजिस्ट्री की फोटो कॉपी है जो रखी है हमारे पास। हर एक क्लाइंट का फोल्डर में हम कॉपी रखते हैं जी, ये सारी देख रहे हो। तो सतवीर भैया जमीन के ओनर आप ही हैं यानी कि? हाँ जी ओनर ही है, और जो हमारी जो कंपनी का नाम जमीन है वो सारी हम आपको दिखा देते हैं। इधर थोड़ा दिखा सकते हो, ये देखिए ये रजिस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं ये फोटो यहाँ भी लगे हुए हैं, उसके बाद में बैक साइड में भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। और देखिए भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स एनआईटी फरीदाबाद प्रोपराइटर सतवीर सिंह पूरन पुत्र निवासी गांव डकोरा तहसील होडल का मैं रहने वाला हूँ। उसके बाद भी आपको देखो, ये नहीं है कि आपका फोटो हमने यही दिखाया है जी, फोटो जी। पीछे भी होते हैं, ये पीछे भी होते हैं, ये विक्रेता है, इनसे हमने खरीदी है, मैं क्रेता खरीदार हूँ, ये गवाह है। तो यानी कि जमीन आप पहले खुद खरीदते हैं और बाद में प्लॉटिंग करते हैं। हमारी फर्म के नाम दाखिल कार्ज मोटेशन जैसे बोलते हो आप जी जी, ये दाखिल कार्ज हमारी जमी हुई है जी, मोटेशन फर्म के नाम जमी हुई है, ये इनकी कॉपियां हैं जी। उसके बाद में ये रजिस्ट्रियां, तो दोस्तों प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रियां नहीं है जी, और भी बहुत सारी रजिस्ट्रियां देख लो आप, और ये सब फर्म के नाम है। ये देखो ओरिजिनल जो है उसकी पहचान होती है जी, ये सारी। इसके अलावा भी मैं आपको और दिखाऊंगा कस्टमरों के नाम जो ओरिजिनल रजिस्ट्रियां हैं जी जी। कोई भाई के एक फोटो को भी दिखा देते हैं, ओरिजिनल नहीं दिखाते, तो करंट की जो आपके अभी आई है जो रजिस्ट्री है वो और हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये कस्टमर की रजिस्ट्री है जी, ये मैंने बेचा उसको, यहाँ भी फोटो लगा हुआ है जी। ये देखिए स्टैंप भी लगी हुई है उसकी, ये रसीद लगी हुई है जो वो कटती है तहसील के अंदर। उसके बाद ये फोटो देखो, विक्रेता में मेरे ही आ रहा है ना फोटो जी जी जी, ये क्रेता खरीदार है, और ये आप साइन देख सकते हो जी। ऐसे ही सारी रजिस्ट्रियों पे ये चीजें हैं, ये रजिस्ट्रियां देखो। तो सतवीर भैया फर्स्ट ओनर आप हैं यानी कि? हां जी। और रजिस्ट्रियां देखो, ये देखो जी, ये रजिस्ट्री देख रहे हो आप, स्टैंप लगी हुई है जी, ये देखो। उसके बाद ये फोटो देखो, ठीक है जी, ये सारी रजिस्ट्रियां हैं जो होके आई है कोर्ट से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्री जो है भैया ही करेंगे, सतवीर भैया, और ये ओनर हैं, और 3,000 रुपए गज से लेके 12,000 रुपए गज तक की भैया के पास प्रॉपर्टी मिल जाती है। भारत ग्रीन सिटी डेवलपर्स जो है इनके ऑफिस का नाम है, और ये जो काम करते हैं मकान, दुकान, प्लॉट, कोठी, फार्म हाउस और फैक्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड भी अगर आपको लेनी है तो वो भी भैया के पास आपको मिल जाएगी। आपका भैया एक बार ऑफिस का एड्रेस और बता दीजिए भैया। ऑफिस का एड्रेस है प्लॉट नंबर 1A 268 नीलम पाटा रोड, नियर बाई राजमंदिर होटल जी, ये पड़ता है आपका नीलम बाटा रोड पे नीलम मेट्रो स्टेशन नियर बाई है। हाँ नीलम बाटा मेट्रो स्टेशन नियर बाई। तो अगर नीलम बाटा स्टेशन पे भी आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे तो आप पिक कर लेंगे उन्हें? हाँ जी पिक कर लेंगे। कि कोई भी भाई जी के मन में ये सवाल होता है कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही जी, पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कि मैं डीलर नहीं हूँ, मैं फर्स्ट ओनर हूँ जी। दूसरे नंबर आप रजिस्ट्रियां मेरी आपको मैंने दिखा दी सारी मेरे नाम पे है जी। ऊपर से कोई भी भाई अगर फोन करता है वो सीधा मुझसे मिले, मेरे ऑफिस में आके मिले, मैं विजिट करवाऊंगा, कोई धोखाधड़ी का नहीं है, सीधी बात है, रजिस्ट्री का सौदा है। आप लोग पेमेंट दोगे वकील के टेबल पर पेमेंट दे दो, वहीं बैठ के जब आपकी रजिस्ट्री हो जाए, जब को लगे आपको कि मेरा पूरा काम हो चुका है, फिर आप हमारी पेमेंट दे दो। अगर किसी को ईएमआई में चाहिए तो उसका प्लान दूसरा है कि उसके लिए आप 20-30% एडवांस जमा कर दो, बाकी हमें हर महीने किस्तों में दे दो, उसका हम एग्रीमेंट आपको कानूनी तरीके से बना के देंगे, कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है। और फिर धोखाधड़ी तो वहां होती है जब एजेंट होते हैं जी, यहाँ तो एजेंटों का सवाल ही नहीं है, कोई भी मेरे ऑफिस में आपको एजेंट नहीं मिलेगा, डीलर नहीं मिलेंगे, सीधा फर्स्ट ओनर मैं ही हूँ, आप कॉल करोगे मेरे से बात होंगी आपकी। और मैंने सुना भैया आपका जो है घर भी वहीं पे है जहाँ पे आप प्लॉटिंग कर रहे हैं?
बिल्कुल सर, जो मेरी साइड जहाँ चल रही है मैं खुद वहीं रहता हूँ, सुबह शाम मैं वहां रहता हूँ, बाकी मैं ऑफिस में आ जाता हूँ, उसके बाद भी दिन में 4-5 चक्कर मेरे लगते हैं वहां की जमीन के जी। तो और इसके अलावा भी जी, किसी भाई को हमारे पास जो 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करीब 4-5 प्रोजेक्ट है जो 3,000 से 12,000, 14,000, 8,000, 6,000 रुपए गज तक के भाव के रेट के हैं जी। सबकी लोकेशन अलग अलग है, सबके साइड जो है वो सारी अलग अलग है, वो मौके पर हम दिखाएंगे। कोई भी कस्टमर कहीं से भी आता है, नीलम बाटा मेट्रो पहुंचे, हमारे ऑफिस में पहुंचे, यहां से हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट उनको दिखाए जाएंगे, उनको अच्छा लगे, जो उनके रेट का और उनकी समझ में आता है वो वहां बुक करा सकता है। और बुक कराने का तरीका अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारी महीना में 15 दिन में रजिस्ट्रिया इकट्ठी होती है। कभी कभी गौरव भाई ये बात होती है कि आप लोगों का हमारा मैच नहीं होता जी, जी, जी। कि जिस दिन हमारी रजिस्ट्रिया उस दिन आपकी शूटिंग कहीं हो रहा होती है, आपका टाइम नहीं मिलता, नहीं तो हम लोग तहसील में जाके भी ये चीज दिखा सकते हैं, पर हमारे पे इतना वक्त नहीं है कि हम वहां जाके ये ड्रामाबाजी दिखा। मैं आपको सबसे बड़ा सबूत ये दिखा दिया कि जो रजिस्ट्रिया में आपने देखी है कस्टमर के नाम की और मेरे नाम की, वो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप मौके पर चेक कर लो। फिर दूसरी बात यह है कि अगर किसी भाई को फिर भी डाउट है तो मेरे साथ चल, तहसीलदार से मिलवा देता हूँ, वकील से मिलवा देता हूँ, अपना पूरा तहसील में जाके 50 वकील बैठे, किसी से भी संपर्क करके आप मैं कागज देता हूँ, आप चेक करा लो जी। तो ये तो होगी जेनवंटी की बात जी। रही बात साइडों की, तो साइड अलग अलग है, मैं दिखा देता हूँ। हमारी साइडों पर मकान भी बने हुए हैं, हम मकान बना के भी देते हैं जी। तो हमारे से प्लॉट का एस्टीमेट ले लो, कंस्ट्रक्शन का पूरा एस्टीमेट ले लो, बना हुआ कितने बनेगा, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, कॉल पे बात करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी अगर किसी भाई को वर्कशॉप चाहिए, शिकूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, 1 एकड़ से 200-400 एकड़ तक जी, किस रूट पे चाहिए, किस नेशनल हाईवे चाहिए, उसके लिए भी वो हमसे संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है जी। ठीक है जी, अब हम आपको अपनी साइड दिखाते हैं। तो भैया साइड कौन कौन सी लोकेशन में होने वाली है ये और बताइए। साइड हमारी बल्लभगढ़ मेट्रो से सिर्फ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है जी। वहाँ पे बम्बई बड़ौदा एक्सप्रेस वे लग रहा है, 500 मीटर दूरी बम्बई बड़ौदा की है, NH2 हाईवे की, दिल्ली आगरा हाईवे की जी। जो ये फरीदाबाद से आप निकलोगे जी, इसकी भी 500 मीटर की दूरी प्रोजेक्ट से है, दिल्ली मथुरा हाईवे से, बिल्कुल जी हाँ। और मेट्रो की सवाल है, मेट्रो तो पलवल तक जा रही है, पलवल वाले प्रोजेक्ट के लिए 1 साल के अंदर मेट्रो पहुंच जाएगी वहाँ पे जी। ठीक है जी जी। बाकी आप 3,000 से लेकर 12,000 रुपए गज तक के रेट, 3,000 रुपए गज का रेट भी है जी, 6,000 रुपए गज का भी है जी, उसके अलावा 8,000 रुपए गज का भी है जी, 12,000, 10,000 रुपए गज का भी है, और लास्ट वाला 14,000 रुपए गज का भी है, 14,000 रुपए गज जी जी। ठीक, और अब मैं आपको साइड दिखाता हूँ, चलिए जी। तो आइए चलते हैं हम साइड पर और एक बार साइड विजिट करवा देते हैं आपको, आ जाइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MH प्रॉपर्टी ब्लॉग्स पर, जिसको आप लोगों ने बनाया इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉपर्टी YouTube चैनल, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं दिल्ली NCR में सस्ती सस्ती और अच्छी से अच्छी जेन्युइन प्रॉपर्टी। तो आज हम आ गए हैं फरीदाबाद में, और दिल्ली मथुरा हाईवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह कॉलोनी होने वाली है। यहाँ पर आपको दिल्ली NCR का सबसे सस्ता प्लॉट आज मिलने वाला है, 1,20,000 रुपए में आपको यहाँ पे 40 गज का प्लॉट मिलने वाला है, और नगद भी मिलेगा। तो यहाँ की ज्यादा जानकारी देने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे जो ओनर है, भारत ग्रीन सिटी से सतवीर तंवर जी, जो कि इस प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं, और वही यहाँ पे जानकारी देंगे, तो मैं उनको बुलाता हूँ। तो भैया एक बार आ जाइए। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, कैसे हैं भैया? बढ़िया गौरव भाई, कैसे हो? बस जी बढ़िया। एक बार दर्शकों से भी नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार सभी को। तो भैया सबसे पहले तो ये हमारी कॉलोनी की लोकेशन क्या होने वाली है? इसकी लोकेशन है NH2 हाईवे जी, दिल्ली मथुरा हाईवे, दिल्ली मथुरा जो हाईवे है जी, जिसे आप फरीदाबाद से क्रॉस करोगे बल्लभगढ़ के पास जी, और यहाँ से बम्बई एक्सप्रेस वे भी जा रहा है जी, जी दिल्ली मथुरा भी जा रहा है, उसके पास ये कॉलोनी पड़ती है, मतलब 500 मीटर के दायरे में। हाँ, 500 मीटर के दायरे में। तो दोस्तों दिल्ली मथुरा हाईवे से भी 500 मीटर की दूरी पर है बल्लभगढ़ पार करने के बाद, और जो बॉम्बे एक्सप्रेस वे है उससे भी मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह कॉलोनी होने वाली है। पूरी ऑन रोड कॉलोनी है, मैं आपको बता दूं बसावट है पूरी, और यहाँ पे आपको 24 घंटे बिजली मिल जाएगी, जमीन का मीठा पानी मिल जाएगा, पक्की चौड़ी सड़कें इंटरलॉकिंग लगा के दी जा रही है, कॉलोनी बहुत अच्छी है, सतवीर भैया ने ही काटी है कॉलोनी। तो सतवीर भैया यहाँ पे सबसे छोटा साइज कितने गज का है? देखिए यहाँ पे 30 गज का भी है, 40 गज का भी है, 100 गज का, 60 गज का, 200 गज का, 500 गज, 300 गज, जैसा साइज वो लेना चाहे उस साइज के हमारे पास प्लॉट है। अच्छा, हमारे पास रेट जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? हमारे पास 3,000 से लेके जी और 12-14,000 रुपए गज तक के रेट है, 8,000 के भी है जी, 8,000 रुपए गज के भी है, 3,000 के भी है, 4 के भी है,
सस्ते से सस्ता। तो अगर मोटा मोटा बात करें कि 3,000 रुपए गज के हिसाब से 40 गज का प्लॉट जो है वो 1,20,000 रुपए का हो गया, मात्र 1,20,000 रुपए का 40 गज का प्लॉट हो गया। हो गया, ये नगद में किस्तों का भी टाइम? ये नगद का भाव है जी। अच्छा, और किस्तों में क्या है? किस्तों में जो है कंडीशन के हिसाब से सालाना 1,000 रुपए, जो 3,000 की चीज है वो 4,000 रुपए में पड़ेगी एक साल के टाइम पे। अगर उसी को 2 साल के टाइम पे लेना चाहे तो वो 5,000 रुपए गज में पड़ेगी 2 साल के टाइम पे। ये टर्म कंडीशन के हिसाब से रेट बढ़ता है। अच्छा, हर साल के 1,000 रुपए बढ़ जाएंगे। अच्छा भैया, बुकिंग अमाउंट क्या है यहाँ पर? हमारा 20-30% डाउन पेमेंट है, यही बुकिंग अमाउंट है। अच्छा, तो भैया आप डबल वगैरह भी करते हैं, मतलब कितने दिनों में कर देते हैं? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज ही ले आपसे, वन टाइम पेमेंट अगर क्लाइंट हमें करता है जी, और 2 साल पीछे हम उसको डबल करके दे देते हैं 2 साल बाद विद कोर्ट एग्रीमेंट। बहुत कोर्ट एग्रीमेंट में कर ले और एसटी अपने नाम ना कराए, पेमेंट कर वन टाइम और एग्रीमेंट करा ले उस प्लॉट का, 2 साल पीछे हम उसके डबल के पैसे हम ही दे देंगे क्लाइंट के नाम, जिसको बेचेंगे उसके नाम रजिस्ट्री कर। अच्छा, यहाँ पे भैया पक्की रजिस्ट्री दाखिल खारिज है? यहाँ पे ये सारे प्लॉट जो है गौरव भाई रजिस्ट्री के हैं, दाखिल खारिज के हैं। रही बात काम की जी, काम आप देख लीजिए, नीचे आप दिखाइए पहले वाली एंटर लॉक है। रही बात इसकी मकान बनाने की, मकान की क्वालिटी आप देख सकते हो जी, मीटर के रेल लगे हुए हैं जी, पूरी कॉलोनी यहाँ से वहाँ तक डेवलपमेंट है। ये भी नया मकान बन रहा है, ऊपर लेबर लगी हुई है, सारा काम है जी। हमारे पास अगर कोई भाई गौरव भाई अगर कोई प्लॉट के अलावा पूरा एस्टीमेट के साथ मकान बनवाना चाहता है तो उसके लिए उसको ये है कि प्लॉट की कीमत के अलावा जो कंस्ट्रक्शन चार्ज है जी, उसको पूरा एस्टीमेट बना के दे दिया जाएगा कि प्लॉट मकान रो में बनवाना है या फिनिश में बनवाना है। रो का रेट अलग है, फिनिश का रेट अलग है। इसके लिए उसको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, हमारे आर्किटेक्ट को उसको डिजाइन बनाना पड़ेगा क्या चीज क्या चीज है। हम बना के भी दे देती है, मेटेरियल लेबर मिस्त्री सारी चीज हमारे पास है, उसके लिए भी वो संपर्क करेगा, लेकिन उसके लिए पहले उसको ऑफिस आना, बजट बनवाना, बजट बनवाना। इसके अलावा जी गौरव भाई, इसके अलावा भी हमारे पास कोई वर्कशॉप लेना चाहे जी, वर्कशॉप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जी, कोई स्कूल कॉलेज के लिए लेना चाहे जी, कोई एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहे 1 एकड़ से 200-300 एकड़ तक जी, वो साइड भी मेरे पास है जी, वो भी भाई मिल सकता है मेरे से आके, वो भी मिल सकता है। हाँ जी। अच्छा भैया, जैसे कोई आपसे यहाँ पे प्लॉट लेता है ठीक है जी, तो उसे यहाँ पे स्कूल भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, वो कितनी दूरी पर मिल जाएंगे? देखिए, ये कॉलोनी जो है जिसमें अभी प्रेजेंट में हम खड़े हैं जी, करीब 8,000 मकान बन चुके हैं। 8,000? हाँ, इनके सबके बच्चे स्कूल में जाते हैं, सिर्फ यासगंज से कॉलोनी के बाहर निकलने के बाद में प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है जी, और आने जाने के लिए ऑटो की सुविधा भी है। हाईवे के से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, ज्यादा अंदर नहीं चलना जी, और कॉलेज वगैरह हाईवे पे है ही। हाँ, सारे कॉलेज वगैरह ये सारे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको MVN यूनिवर्सिटी होगी, एडवांस हो गया, सत्या हो गया, बहुत सारे कॉलेज मिल जाते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह के स्कूल मिल जाएंगे। अच्छा भैया, मार्केट वगैरह यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी? यहाँ से देखिए जी, कम से कम आपकी जो मार्केट जी लोकल, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें दी है उनके लिए, तो यहाँ कॉलोनी में सारी चीजें मिल जाती जी। अगर उसके बाद बाजार करना है तो बाजार यहाँ पे लगेगा बल्लभगढ़ का, बल्लभगढ़ का, बल्लभगढ़ में मेट्रो भी है, रेलवे स्टेशन भी है, पूरा बाजार है हाफ मार्केट का, और उससे वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही, गाड़ी से 5 मिनट की दूरी चलोगे कॉलोनी आ जाएगी, कॉलोनी आ जाएगी। तो बल्लभगढ़ के मेट्रो स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पर यह कॉलोनी होने वाली है, ऑन रोड कॉलोनी है, रोड पे ही आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएगी। एक बात और मैं गौरव भाई बताना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट के अलावा जी, हमने एक प्रोजेक्ट और नया लॉन्च करा है जी, वो कहां पर भैया? वो ये बम्बई एक्सप्रेस से सिर्फ उसकी जो दूरी है वो मात्र 500 मीटर की है, 500 मीटर की है, और दिल्ली मथुरा हाईवे से भी 500 मीटर की 500 मीटर की है, यानी उसको ज्यादा नहीं चलना, मथुरा हाईवे चलेगा तो भी 500 मीटर मीटर पे चलना, यानी कि इस कॉलोनी के आसपास में, इसी कॉलोनी के आसपास में दूसरी कॉलोनी नई लॉन्च करी है। तो उसमें भैया रेट क्या होंगे? इसमें उसमें रेट है जी 50 गज का जो प्लॉट है वो 6 लाख का भी है, 6 लाख। हाँ जी, उसमें 12,000 रुपए गज का रेट आ गया, 14,000 रुपए गज का रेट आ गया, और 10,000 रुपए गज का, तो यानी कि और भी अच्छी डेवलप करी है। हाँ जी, हाँ जी, वो नई लॉन्च करी है। तो दोस्तों, आपको भैया के पास 3,000 से लेके 15,000 रुपए गज तक की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ऑन रोड पर मिल जाएगी, कॉलोनी बहुत अच्छी भैया काटते हैं, जेन्युइन है, फर्स्ट ओनर है, यही है, ठीक है ना, सेकंड आप बनेंगे जी। एक चीज और गौरव भाई मैं बताना चाहूंगा, जो 3,000 रुपए गज वाली है जी, 4,000-5,000 वाली और 6,000 का उसमें जो रेट है, वो कॉलोनी यहाँ से आगे बंचारी में पड़ेगी, बंचारी में। हाँ जी, उसके पास एक कॉलोनी और है जो 8,000 रुपए गज की है, ऑन रोड है वो, और रोड से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर की दूरी पे है, वो उसका रेट 8,000 रुपए गज का है। ये कॉलोनियां पलवल से आ गए हैं, और ये कॉलोनी बल्लभगढ़ के पास में है जी, जिसमें 10 और 12-14 का रेट है, सबका रेट अलग अलग है, मैंने रेट क्लियर कर दिया है,
कोई भाई तो बाकी जब कोई कॉलोनी पे विजिट करेगा तो आप सारी कॉलोनी की विजिट करवा देंगे ना उसको? विजिट मैं करवा दूंगा, उनको कुछ नहीं करना। मेरे ऑफिस के नजदीक नीलम बाटा मेट्रो स्टेशन, दोनों स्टेशन लगते हैं, वहीं पे मेरा ऑफिस है, नीलम भी और बाटा भी। वो वहाँ पहुँच के फोन करे, वहाँ से हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, ये यहाँ वाला प्रोजेक्ट भी विजिट करवाएंगे, सारे प्रोजेक्ट। टोटल आपके चार से पांच प्रोजेक्ट है। देखने के बाद में उसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पसंद आ जाए वो वहाँ अपना बुकिंग करा सकता है। इसमें एक बात और मैं आपको बताऊंगा, एक इशू आता है जी, हमने टोकन मनी दे दी, टोकन मनी पर टाइम कितना होता है? देखिए किसी भाई को अगर अपना टोकन कैंसिल कराना तो उसका 2 से 3 दिन का टाइम है जी। पूरा हफ्ता खींचेगा, हफ्ता क्रॉस कर गया तो कैंसिल नहीं होगा, दिए वो पैसा वापस नहीं होगा जी। बिल्कुल, आज लिया 3 दिन में डिसीजन फाइनल कर रहे, नहीं मन में आता है तो कैंसिल करा सकता है जी, पैसे वापस ले जा सकता है। अगर एक हफ्ता क्रॉस कर गया जी तो फिर टोकन का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा आपके लिए। उसका कारण और है, उसका कारण है गौरव भाई, मैं ये बता देता हूँ आपके जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि उसने हमारे प्लॉट को एक हफ्ते तक बिकने भी नहीं दिया और उसके बाद एक हफ्ते पीछे कह रहा है जी मुझे तो कैंसिल कराना है। तो हमारे साथ इस तरीके से गलत होता है, जो हमारे और कस्टमर आने वाले हैं जिनको हम वो प्लॉट दे सकते हैं तो वो भी ग्राहक हमारे हाथ से चला गया। इसमें लोग बुरा मान जाते हैं, बुरा ना माने, इसका ये टर्म कंडीशन तो रहेगी भाई, साफ साफ बताना है, साफ बताना है ना। अच्छा भैया दूसरा, यहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्था अगर कोई यहाँ पर रहता है तो? देखिए ये तो पता ही आपको, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कंपनियां जी, फरीदाबाद में काम की कोई कमी नहीं है जी। और हमारे इन कॉलोनियों के आजू बाजू में करीब करीब मैं बताऊं 300 आजू बाजू में नई नई कंपनियां हैं, नई भी हैं पुरानी भी हैं, सारी बनी हुई, जेसीबी होगी स्टार्ट हो गई, जैसे कि जेसीबी कंपनी होगी जी, और बहुत सारी यहाँ पे जेबीएम यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी जेबीएम है फरीदाबाद में भी जी जी। तो यहाँ बहुत सारी है, 25 सेक्टर यहाँ का मशहूर है फरीदाबाद का, 58 मशहूर है यहाँ का, यहाँ में सारे में इंडस्ट्री लगी हुई है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी पढ़ाई एजुकेशन का पूरा हब है। तो दोस्तों कॉलोनी भैया की बहुत अच्छी है, 4 से 5 कॉलोनियां, 3,000 से लेकर 15,000 रुपए गज तक की प्रॉपर्टी है, आपको इनके पास नगद भी प्लॉट मिल जाएंगे और किस्तों में मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दियो नंबर पर संपर्क करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं गौरव त्यागी ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।